क्या आपको पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके बारे में आते हैं कि सब लोग पूछते हैं कि मोमेंटम मार्केट में हम प्रॉफिटेबल बन जाते हैं लेकिन जब बात आती है साइडवेज मार्केट में हम किस तरीके से हम अपना ट्रेड बनाएं कहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएं तो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो आंसर है इस पूरे ट्रेड रिक आप में आपको मिलेगा होप कुछ आइडिया भी मिलेगा कि जो मैं प्रीवियसली कुछ वेबिनार में वगैरह बता रहा था वो किस तरीके से यहाँ पर भी काम करता है एज वेल एज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको आ, सीखना चाहिए एज वेल एज जो मेरे आ, जो वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट मतलब है जो डिसेंट्रलाइज मार्केट की जो स्ट्रेटर्जी जिन लोगों ने मेरे साथ जो सीखा है तो उनको भी एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से बनती है हमें अपॉर्चुनिटी किस तरीके से लेना चाहिए अगर वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो छोड़ देना चाहिए अगर अपॉर्चुनिटी मिला अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो देन एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस एंड मूव फॉर द नेक्स्ट ट्रेड दैट्स इट तो आज का जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वॉज अराउंड लेट्स लेट इस पर्टिकुलर जगह पे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो सर नाइन नाइन फिफ्टीन के आसपास क्योंकि द थिंग विच आई वॉज गेटिंग कन्फर्मेशन कि अगर आप पर्टिकुलरली जो प्रीवियस अगर दो चार दिन देखोगे तो ट्रम्प के इलेक्शन न्यूज की वजह से मार्केट वॉज इन फुल जूम इतना ज्यादा मस्त पे की मोमेंटम दे रहा था इसके बाद ऑब्वियसली मार्केट थकता है इवन इंसान थकता है मार्केट थकता है तो उसके लिए उसको एक अच्छा एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बोलिए या पुल बैक बोलिए होना चाहिए था अलद कल का मार्केट का जो यूज़ का मार्केट का तो बहुत ही इम्पैक्ट नीचे की तरफ था तो उसका इफेक्ट आज ना तो कुछ कुछ गिरेगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड का मार्केट अगर आप देखोगे दैट वाज अप ट्रेंड और सिर्फ कल का मार्केट देखोगे दैट वाज द डाउन ट्रेंड मतलब इसका इफेक्ट आज के मार्केट में कुछ ना तो कुछ गिरेगा इसका मुझे कुछ ना तो कुछ आइडिया था इसके लिए आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ मच बिगर टारगेट्स आई वॉज ट्राइंग टू टेक अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी पॉइंट्स पर ट्रेड इन अ नेस्ट डैक तो आज का जो पहला जो ट्रेड मैंने इनिशिएट किया एट अराउंड नाइन फिफ्टीन के आसपास तो इसका रीजन क्या है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल जो मेरा ट्रेंड का जो जो व्यू था वो कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड मैं हमेशा इस तरीके से कुछ कन्फर्मेशन लेता हूँ कि जो मेरे ट्रेंड की डायरेक्शन बताए तो मेरा डाउन ट्रेंड है तो ऑब्वियसली मैं जो मार्केट में सेल करने के ही बारे में सोचूंगा अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल पे देखोगे सो लेट मी जूम दैट थिंग क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा थोड़ा सा टच पेन अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है बट डोंट वरी अगर आप पर्टिकुलरली इस जगह पे देखोगे ये इतना बड़ा कैंडल प्रीवियस क्लोज को नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश बट इट कूडेंट इट हैज मेड अ सम बिग विक एज वेल एज अगर आप यहाँ पे फुटप्रिंट सॉरी वॉल्यूम प्रोफाइल में देखोगे तो हाइस्ट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम हैज ट्रेडेड बॉटम ऑफ दिस कैंडल सो

I have quite... मैं चुप बैठा कि मुझे देखना था कि मार्केट में क्या होने वाला है अगर आप इसके बाद इतना बड़ा कैंडल आधे घंटे का बना एंड न्यू हाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे इतना एक लो लो बनाने के बाद मार्केट फिर से एक छोटा सा हाई बनाने के बारे में सोचा इस जगह पे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इंट्रेस, चीजें बनी जो सीरियसली मुझे बहुत ही हेल्पफुल किया टू इनिशिएट अ ट्रेड तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पिंक लाइन है ना जो मैं प्रीवियसली मेरे वेबिनार में बताया था कि डेवलपिंग पीओसी के बारे में दिस इज द सेम डेवलपिंग पीओसी जो हमें निंजा ट्रेडर में मिलता है बाकी प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे कुछ उतना आइडिया नहीं है बट ये क्या कर रहा था कि पर्टिकुलरली जिस तरीके से प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे जिस तरीके से लिक्विडिटी यहाँ पे बन रहा है मतलब जो ग्रीन कैंडल इतना बड़ा यहाँ पे मार्केट को ट्रेंड को ऊपर की तरफ लेके गया द सेम कैंडल व्हिच आई वाज टॉकिंग हियर इसके बाद सडनली यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न बन जाते हैं जो हमें आइडिया दे देता है कि ओके सम व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट फॉल फ्रॉम हियर और मैं आपको कल के वेबिनार में भी बताया था कि दीस पीओसी लाइंस विल एक्ट लाइक अ सम काइंड ऑफ एन मैग्नेट जो मार्केट को लिक्विडिटी को सिर्फ खींचने की कोशिश करता सो मैंने एक शॉर्ट पोजिशन इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे इनिशिएट किया था एंड स्टॉप लॉस वॉज अबव एंड अराउंड द सिर्फ मैंने ट्वेंटी पॉइंट्स का एक छोटा सा मैंने ट्रेड इनिशिएट किया क्योंकि मेरा आज का भूख ही इतना ही था सो सिंगल ट्रेड आई हैव इनिशिएटेड और जिस तरीके से यहाँ पे जो पी है जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे आके कुछ उथल पुथल कर रहा है द सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन इन द सेम वेबिनार यहाँ पे मैंने आपको सेम चीज़, चीज़ बताया था मैंने यहाँ पे मेरा ट्वेंटी पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक होने के बाद आई हैव सिंपली सिट क्वाइट मैंने कुछ भी नहीं किया इसके बाद अगर आप देखोगे फिर से मार्केट फिर से नीचे आया और आई हैव अ प्रॉपर रीजन टू से कि मार्केट इसी पॉइंट से क्यों ऊपर गया वो भी मेरे पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज में या ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट में आपको सीखने के लिए मिलेगा अगेन मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थ्री मैंने क्या सोचा था कि यार चलो मैं थोड़ा आ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल करते आता हूँ एंड uh, मुझे एक अच्छा प्रॉफिट लेना कर मैंने सोचा जब ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थ्री पे मेरा जब मार्केट आके ये पैटर्न बनाया दिज आर द पैटर्न आर वेरी इंपॉर्टेबल एंड जिस तरीके के ऑर्डर यहाँ पे इनिशिएट हो रहे थे उसके हिसाब से मार्केट में प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था द सेम थिंग विच वी हैव लर्न Uh, हमारे फुटप्रिंट पैटर्न्स के वीडियो में भी हमने यहाँ पे लर्न किया है दीज आर द वेरी इजी थिंग्स जो आपको बहुत ही आसान तरीके से हम समझाते हैं एज वेल एज़ मैंने यूट्यूब वीडियो में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है यू कैन टेक अ रेफरेंस एंड जो आपकी ट्रेडिंग का जो एज है ना उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए ये चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करता है मतलब यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि हाँ यार कुछ लोग बैठे हैं जो प्राइस को नीचे नहीं जाने के लिए दे रहे हैं क्या आपका प्राइज इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल ही नहीं है तो दीज आर द थिंग्स मैंने अपना ट्वेंटी पॉइंट्स बुक किया जस्ट वॉचिंग वॉचिंग की क्या होगा फिर से मार्केट ने क्या किया कि जिस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ तो मोमेंटम और मैं ई एम के ऊपर काम करता हूँ ई के हिसाब से मैं मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करता हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा तो द पिंक वन एंड वाइट वन आर डिसेंडिंग ऑर्डर मार्केट तो डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे फिर से क्यों ऊपर जा रहा है जा रहा है तो जाने दो तो यार मेरा क्या है जब मेरा ट्रेड सेटअप आता है तो तो मैं तभी इनिशिएट करूंगा ना तो ये सोच के मैंने चुप बैठा इसके बाद डन करके इतना बड़ा कैंडल तो मैंने बोला यार चलो जो ट्रेड मैंने बनाया है इट वॉज अ सेफर वन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद आया पूरा का पूरा इतना बड़ा चौपी खेल लकीली uh, मैं इस पर्टिकुलर पूरे गेम में नहीं फंसा मैं साइड में नेटफ्लिक्स देखते इस पूरे ट्रेंड को अब्जॉर्व करते गया और हमारा एक स्टूडेंट ने क्या किया कि इस पर्टिकुलर जगह पे अराउंड इस पर्टिकुलर लेवल पे उसने एक ट्रेड इनिशेट किया इट हैव द वैलिड रीज़न उसने उस बंदे ने इतना बड़ा यहाँ पे जो मार्केट का जो डाउनफॉल है वो फॉल होते के बाद भी उसने कोई अपना शॉर्ट नहीं बनाया क्योंकि अगर आप इसके प्रीवियस इस जो लोग यहाँ पे जो साइडवेज मार्केट का एक अच्छा मोमेंटम आया है कर कर आपने अगर एंट्री किया होता देन वॉट अगेन ब्रेकआउट पे आप अपना फॉल्स एंट्री दीज आर टू एंट्री जो आपने ब्रेकआउट के ऊपर गलत निशाना लगा रहे हो दिस इज द सेम थिंग मैंने भी यहाँ पे क्या किया कुछ भी नहीं किया जस्ट एंजॉइंग द शो देखता रहा लेकिन जो हम मेरे एक स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत ही डिसेंट तरीके से अपना एक ट्रेड इनिशिएट किया है वो कहाँ पे किया है मैं भी आपको बताता हूँ ओके मार्केट का रिवर्सल स्टार्ट हुआ पर्टिकुलरली इस रीजन से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्राइस गिरा गए ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एटीन से ट्वेंटी थाउजेंड ये ऑलमोस्ट एक फोर्टी का मार्केट गिरा लेकिन यहाँ पे हम सबसे बड़ा गलती कर देते आपने वो बहुत सारे पिक्चरों में या फिल्मों फिल्मों में वो बहुत सारे डायलॉग भी देखे होंगे ना और बस के पीछे और लड़की के पीछे मत भागो भूल के लेकिन मेरा भी यही सेम कॉन्सेप्ट है प्राइज के पीछे मत भागो लेट प्राइज कम टू यू द सेम थिंग इस स्ट्रैटर्जी में भी वही है दि सेंट्रलाइज मार्केट जो हमारी स्ट्रैटर्जी है वो बिड वर्सेस आज के ऊपर काम नहीं करती वो सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर काम करती है दिस इज वॉट द प्राइज कम प्राइज आया हमारे पास यहां से जब प्राइज निकलने की कोशिश कर रहा था एक्जैक्टली exactly हम उसके गले में पट्टे डाले एंड दिस इज वॉट द पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज रैली सिंपल है गाइज मतलब वी विल गेट द इतना बहुत ही अच्छी तरीके से हमें कन्फर्मेशन मिलता है कि हम आराम से मार्केट में एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं उसके लिए क्या जरूरी है यूनिट टू बी डिसिप्लिन यूनि टू हैव अ गुड स्ट्रैटी दैट्स इट आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए ओवर ट्रेडिंग वगैरह है वो करना बंद करना चाहिए जो साइकोलॉजी वगैरह है बाहर में घुसाड़ दो सबको वहाँ पे क्योंकि ट्रेडिंग करने से ही पहले आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करके ट्रेडिंग करना आना चाहिए तभी आप मार्केट में पैसा बनाओगे नहीं तो साइकोलॉजी स्ट्रांग करते करते आप मार्केट में पैसा ही गवाओगे साइकोलॉजी भी वीक होती होती जाएगी तो ये जो दो स्ट्रैटर्जी जो दो एंट्रीज है जो एक मेरी थी और एक हमारे एक स्टूडेंट की थी सिंपल जो एंट्री उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट उस बंदे ने मॉर्निंग के 11 बजे से लेके बंद तक वेट किया उसको उतना खर्च कुछ का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उसको सिंगल अपॉर्चुनिटी मिला वो भी तीन बजे सो दिस इज द द कॉल डिसिप्लिन ओके तो ये एक ही झटके में नहीं आता यू नीड टू बिल्ड आपको स्क्रीन के ऊपर बैठना पड़ेगा आपको मार्केट देखना पड़ेगा तभी आपको कुछ आइडा जाएगा सो होप दिस Uh, कुछ आइडिया दे चुका होगा कि मार्केट में जो लिक्विडिटी थी जो हायर टाइम फ्रेम मार्केट किस तरीके से था वॉल्यूम प्रोफाइल उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहा था और जो छोटा टाइम फ्रेम है हमें छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस भाग रहा है या प्राइस नहीं मिलेगा इसके चक्कर में मत पड़ो प्राइस अपने पास आने दो उसके बाद आप अपना एंट्री बनाओ सो दीज दिस इज द पर्टिकुलर ट्रेड कैप आई होप यू को आपको आपको भी कुछ आइडिया आ चुका होगा कि मार्केट में साइडवेज मार्केट में हमें किस तरीके से खेलना चाहिए उसके बारे में होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू सम आइडिया कि मार्केट किस तरीके से काम करती है आपके इमोशनल के साथ मार्केट खेलती नहीं है मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के साथ खेलती है आपको समझ में आना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ पे वहाँ पे प्राइस किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है होप आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिल चुका होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होते तो न्यू टॉपिक के साथ थैंक यू